हेलो दोस्तों, तो आज मैं बहुत टाइम बाद वॉक में निकली हूँ और देखिए सामने भारत माता का मंदिर और वहाँ पे है खूबसूरत से कलरफुल फाउंटेन्स। तो इस वक्त चल रहे हैं देखो लाइटिंग के साथ और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 6 और नीचे देखिए गंगा जी में कितनी भीड़ है आज। तो गंगा स्नान के लिए काफ़ी लोग बाहर से आए हुए हैं और ये देखिए सामने देखिए कितनी भीड़ है सामने घाट में। यहाँ पे अलग अलग घाट हैं जगह जगह पर, तो कुछ कुछ दूरी पे घाट बने हुए हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, क्योंकि हर की पैड़ी में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो इसकी वजह से यहाँ पे जगह जगह घाट बनाए हुए हैं। और आज हवा बहुत सुंदर चल रही है और मौसम बहुत अच्छा हो रहा है इस वक्त, और आप गंगा का फ्लो देख सकते हैं कितना ऊपर तक है, क्योंकि पहाड़ों में बारिश हो रही है तो उधर से ही ये पानी गंगा जी का पानी यहाँ तक आता है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी भीड़ है और सामने गंगा आरती हो रही है। इस वक्त 6:30 बज रहे हैं और इस वक्त गंगा आरती का टाइम है। देखिए सब लोग हाथों में दिया लेकर पूजा कर रहे हैं। सामने देखिए गंगा आरती के लिए बड़ा सा दीपक, और यहाँ एकदम बिल्कुल सामने अपोजिट घाट से मैं आपको दिखा रही हूँ उस साइड में गोविंद पुरी है और ये उधर ही पूरा गोविंद घाट है, और सामने भागवत भी हो रहा है इसलिए काफ़ी भीड़ है यहाँ पर और लोग गंगा स्नान भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं वॉक में आई हूँ, वॉक करते करते मुझे लगा मैं आज आपको यहाँ के थोड़े से नज़ारे दिखा दूँ, तो बस वॉक करते करते मैंने कैमरा ऑन कर लिया और बस मैं दिखाते हुए चल रही हूँ आप लोगों को। यहाँ पे घाट में मैं ये दिखा रही हूँ कि अभी मंथ मई जून में बहुत स्नान होते हैं और यहाँ पे काफ़ी भीड़ हो जाती है, फिर जुलाई से यहाँ पर कांवड़ भी आने लगते हैं तो उस वक्त तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो अभी देखिए हवा चल रही है इस वक्त और काफ़ी लोग वॉक कर रहे हैं, तो मैं आपको डुअल कैमरे से दिखाऊंगी। देखिए तो आप देख सकते हैं सामने अभी थोड़ा सा शामों के सामने ऊपर देखिए पैनल, ये यहाँ पे सौर्य ऊर्जा बोलते हैं ना, हाँ, तो यहाँ पे ये सोलर लाइट लगाई हुई है जो आज अभी जल नहीं रही है। तो बस वॉक के लिए यहाँ पे अभी नया पाथ बना है और उसी में हम लोग वॉक करते हैं। हमारे घर की दूरी से कम यहाँ पे 2.5 किलोमीटर आना और 2.5 किलोमीटर जाना, मतलब 5 किलोमीटर की वॉक मेरी हो जाती है। तो ये देखिए बगल में गंगा जी के किनारे किनारे में वॉक कर रही हूँ इस वक्त, इसीलिए मैंने डुअल कैमरा दिखाया आपको कि हम दिखाऊँ मेरे साइड में इधर हाईवे है और इस साइड में गंगा जी है। तो देखिए बस, और चलते चलते बहुत पसीने आ चुके हैं मुझे, तो इसमें दिखाती हूँ आपको गंगा जी के नज़ारे। इस वक्त देखिए लाइटें, अंधेरा हो चुका है और यहाँ पे इस वक्त 7:30 हो चुके हैं और देखिए सामने कितना सुंदर यहाँ से व्यू दिख रहा है गंगा जी का, और अभी भी लोग स्नान कर ही रहे हैं और लोग अभी भी यहाँ पे काफ़ी भीड़ है क्योंकि इस वक्त छुट्टियां पड़ चुकी हैं बच्चों की और लोग हरिद्वार आते हैं घूमने के लिए, नहान के लिए। यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ मेरे बैक साइड में, देखिए ये है घाट और सामने गंगा जी बह रही है, बहुत सुंदर लग रहा है। पानी का फ्लो भी आप देखो कितना ऊंचा आया हुआ है। तो थोड़ा सा खड़ा होके मैंने कहा यहाँ बहुत सुंदर लग रहा था तो मैंने यहाँ से वीडियो लिए, और चलो मैं भारत माता मंदिर, ये देखिए रात का नज़ारा यहाँ पे, कलरफुल फाउंटेन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे काफ़ी लोग अभी भी बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है, शाम को ठंडी हवा चल रही है तो लोग यहाँ पे घूमते हुए आकर यहाँ पे बैठ जाते हैं घाट के किनारे। ये देखिए अभी भी कितना रश है, 7:30 बज चुके हैं और लोग अभी भी घूम ही रहे हैं। तो इस तरह से ये देख सकते हैं आप घाट का नज़ारा, यहाँ पे वाटर कैन और प्रसाद भी है, लोग यहाँ से भी लेकर जाते हैं पानी गंगा जल भरकर। देखिए तो ये है पुल है यहाँ पर, और यहाँ पुल से मैं दिखाती हूँ आपको गंगा जी। ये पुल के इस साइड में पूरा घाट, गोविंद घाट और परशुराम घाट का नज़ारा देखो, कितना
कितना सुंदर दिख रहा है, और गंगा जी देखो कितना ऊपर तक है आई हुई है, पानी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए यहाँ से ब्यूटीफुल घाट। तो होप आपको अच्छा लगा होगा, आइए हरिद्वार घूमने आप भी और गंगा स्नान करने के लिए। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।